नदियाँ अपने साथ एक संस्कृति को लेकर चलती हैं और इन्हीं नदियों के किनारे सदियों से संस्कृतियों का जन्म होता गया और वो पल्लवित होती गईं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। रूरल टेल्स के हिमाचल सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये तीर्थ नदी है और ये मंडी की तरफ आगे बढ़ रही है, जिस आगे जाकर ब्यास में मिलती है। हम आपको हिमाचल प्रदेश के जो प्रमुख मेले हैं, जो बड़े त्यौहार हैं, उनकी पूरी कहानी बताने जा रहे हैं कि महाशिवरात्रि का जो त्यौहार मनाया जाता है मंडी में, वो क्यों खास है, क्यों वहाँ पे डोलियाँ अलग अलग गाँव से होकर वहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए हमारे साथ मंडी। जो हमारा एक ज़िला कुल्लू भी है, उसके जो है हम शनशर गांव से है, शनशर सांगड़ का शायद जो और टूरिज्म प्लेस भी है। और हम जो है अपने अभी मेले को जा रहे हैं पूरे परिवार के साथ। तो बाकी हमारा कल्चर ऐसा, मंदिर है, देखो देवते देवी देवते हैं, खाने पीने का हमारे, देखो जी खाने पीने का हमारा ऐसा है जैसे साग की सब्जी, मक्की की रोटी, जौ की रोटी, कोदरे की रोटी हम खाते हैं, जो हमारा प्राचीन टाइम से चलता आ रहा जो हमारा खान पान का वो है, जो हमारे बुजुर्गों से है। बाकी हमारा पहनावा जैसे कुल्लू की हमारी मैन टोपी हमारी फेमस है, और कुल्बी शॉल हो गए, पट्टू हो गया, जैसे जो लेडीज लोग हमारे पहने हुए है इस परिधान में है, तो यही जो है हमारी परंपरा है। बाकी ऐसा है कि ठंड हमारे बहुत पड़ती है, बर्फ़ हमारे दबादब चली रहती है। आज हमारे शहर में शिवरात्रि है। इस दिन भगवान शिव जी की शादी हुई थी और आज मतलब सभी देवी देवता आए हैं यहाँ पे, और आज हम उनके दर्शन करने के लिए जाएंगे मंडी मेले में। भगवान शिव के दरबार भूतनाथ मंदिर में सभी जो देवव्रत हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। और ये खास क्यों है, क्यों इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी गई या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मेला है? सारे गांव से जब जो रथ यात्राएं हैं, या जिन्हें हम अपनी भाषा में कहें जो देव डोलियाँ हैं, वो यहाँ पहुँचती हैं अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ, और फिर यहाँ से वो जो कोर्ट परिसर है जहाँ पर सभी जो डोलियाँ इकट्ठी होती हैं, और वहाँ से मार्च पास, जैसे आपने गणतंत्र दिवस में देखा होगा कि सारी झांकियाँ मार्च पास करती हैं, ऐसे ही देव डोलियाँ मार्च पास करती हैं, और उनको देखने के लिए जो हजारों लोगों की भीड़ यहाँ इकट्ठी होती है। ये जो कहानी है, ये जो वीडियो है, आप तक पहुँचने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है उसकी तिथियाँ निर्धारित कर दी गई हैं। 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, 6 मई को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 6:15 पर खुलेंगे, और भू वैकुंठ धाम बद्रीनाथ के कपाट जो हैं वो 8 मई को 6:15 पर खुलेंगे। ये जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मैं खुद एक पहाड़ से हूँ और तमाम हिमाचल वासियों को मैं अपनी तरफ से उन्हें चारधाम यात्रा में आमंत्रित करता हूँ। फिलहाल चलते हैं यहाँ से बाबा भूतनाथ मंदिर से कोट परिसर की तरफ। बाजों के साथ जो देव डोलियां हैं, यानी जो
रथ है वो कोर्ट परिसर में पहुंच गई है और यहाँ पर जो पूरी जो डोलियां हैं देव डोलियां वो एक एक करके जलेब के रूप में आगे बढ़ेंगी। चौहार घाटी गुड़ौन से हैं, आरंग से, बथेरी आरंग से। ये हमारे चौहार घाटी के उर्गनारायण जी के भाई हैं। ये चौहार घाटी के सबसे बड़े आराध्य देवता उर्गनारायण जी के साथ ही चलते हैं और इनका इलाका अमरगढ़ इलाका है और ये बारिश पानी के सबसे बड़े देवते के रूप में इनको माना जाता है। इनकी मान्यता बहुत ज़्यादा है और इनके चारगढ़ है, चारगढ़ में इनके हारी फेरे में ये चलते रहते हैं और ये हर साल हर एक हारी में भ्रमण करते रहते हैं और लोगों के दुखों का निवारण करते हैं। पिछली बार भी भव्य तरीके से हुआ था कि क्योंकि हमने देव समाज में हमने पूरी तरह से पूछताछ की थी तो देवते ने यही कहा था कि हम जो है पूरी तरह से रक्षा करेंगे और उसका परिणाम भी हमने सरेआम देख लिया है कि इस तरह का कोई बड़ी आंच हमारे देव समाज के अंदर और हमारे मंडी में भी और कुल्लू में भी ऐसा हिमाचल के अंदर उतना ज़्यादा कोई प्रकोप इसका नहीं दिखा है। ये सर ये तो बड़ी पुरानी है, ये मतलब काफ़ी पुरानी प्रथा है हमारे यहाँ की। देवी देवताओं का संगम होता है यहाँ पे, एक हमारे मंडी ज़िला के बहुत सारे देवी देवता यहाँ पे आते हैं और बड़े राजाओं के ज़माने की ये रीत है। एक मंडी की शिवरात्रि जो होती है अंतर्राष्ट्रीय मेला है ये और मेन जो इसका पर्पज रहता है वो देवी देवताओं का मिलन रहता है। एक साल बाद ये हर साल होता है, शिवरात्रि के दिन ये मेला मनाया जाता है यहाँ पे। और शिवरात्रि के दिन पर भी एक ऐसा होता है कि जिस दिन मंडी के सभी देवी देवता एक जगह इकट्ठे होकर मिलते हैं आपस में, एक संगम होता है, इसको देव संगम भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है सर, यही है जो मेला शिवरात्रि मेला है, ये सबसे पुराना मेला है। आज से 7 साल पहले यहाँ पर हुआ करती थी मेला, अंडोले लगते थे, आदमी इतने नहीं थे, आबादी इतनी थी। जो चीज़ आजकल 10 रुपये की मिल रही है ना, वो उन दिनों में 10 पैसे की मिलती थी। मेरी उम्र 73 साल है 73 और मैं हर एक जगह से आपको कंटेक्ट करा रहा हूँ। उस वक्त थोड़े आदमी थे और इतनी असूलतें नहीं थी, गांव-गांव से लोग आएंगे। अब गांव-गांव में सड़क है, बड़ा सुधार है। मेले का स्वरूप बदल रहा है या वैसे ही है जैसे पहले था? नहीं, ये पहले से है, राजाओं के टाइम का है, बड़ा पुराना मेला है। कम से कम 100 साल पहले, 200 साल पहले चलते जब राजाओं का राज था, 100 साल पहले यहाँ बेड है राजे का। जब भी ये बाहर के देवते आते हैं ये सब पहले माधोराज जी के दफ्तर में जाते हैं, माधोराज जी को। मंडी छोटी काशी मंडी में एक अपना अहम स्थान रखता है, इसका एक अपना इतिहास है, एक अपनी संस्कृति है और एक लंबी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है और उस परंपरा को हम हर वर्ष आगे बढ़ा रहे हैं ताकि हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास इसी तरह आगे बढ़ता रहे और हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी इसकी जानकारी, अपनी संस्कृति की, अपनी कला की, अपने इतिहास की हम आगे देते रहे। जब से 1526 ईस्वी को जब हमारी मंडी की नींव रखी गई, हमारी छोटी काशी मांडवी की नींव रखी गई, उसके बाद से ही इसका शुभारंभ यहाँ पर ये माना गया है। लेकिन समय के साथ साथ इसमें और कुछ परिवर्तन भी हुए और अगर हम इतिहास में और आगे जाएं तो हमारी ये मंडी शिवरात्रि शैव के साथ साथ वैष्णव और लोकवादी स्वरूप में जो है आगे बढ़ी और इसका श्रेय जो है हमारे मंडी रियासत के ही राजा रहे सूरज सिंह को जाता है, ऐसा इतिहास के बने बताते हैं कि राजा सूरज सिंह हमारे इस मंडी की छोटी काशी 1637 से लेकर 1664 तक वो मंडी रियासत के राजा रहे और इस दौरान उन्होंने मंडी की शिवरात्रि को
लोगों से जोड़ने के लिए कार्य किया और बन रही है जो लाश जो जोश संस्कृति हमारा इतिहास की तरह समृद्ध है। एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव और हमारी ये संस्कृति आज अल्लाह को एक अनुभूति हम सबको यहाँ पर हो रही है। हमें जो भी देवताओं का आशीर्वाद मिल रहा है। मंडी में जो सैव वैष्णव स्थानीय देवताओं का संगम होता है उसकी जो पूरा जलेब है जिसे स्थानीय भाषा में जलेब कहते हैं, ये जो पूरी देवताओं की यात्रा चल रही है मंडी में, एक के बाद एक स्थानीय देवता भगवान शिव के अलग अलग रूप से होते हुए यहाँ से जो स्थानीय देवी देवता हैं वो आगे पैडल मैदान में जा रहे हैं। और अब तस्वीरों में देखिए कि जो देवी देवता हैं उनके वाद्य यंत्र हैं, उनकी स्वर लहरियां हैं, जो लोग हैं चारों तरफ मंडी, ऐसा लग रहा है इस समय कि देव धुनियों देव स्तुतियों देव वाद्य यंत्रों से पूरी गुंजायमान हो गई है। इसे अगर पहाड़ का कुंभ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय लोग भी यहाँ पर आते हैं। पुलिस की स्थानीय प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है यहाँ पे लोग देखने के लिए। इस जगह पर जहाँ पर कोर्ट परिसर है बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं और एक के बाद एक करीब 250 स्थानीय देवी देवता मंडी जिले के यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये देखिए शिवरात्रि का मेला होता है यहाँ मंडी का, ये ऐतिहासिक मेला है जो राजा महाराजाओं के समय से चल रहा है। और मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे होता क्या है, ये देवी देवताओं का संगम होता है। जितने आसपास देवी देवता हैं, ये जो आपने देख रहे हैं ये रथ इन्होंने उठाए हैं देवी देवताओं को, हम लोग इन्हीं को साक्षात देवी देवता मानते हैं कि जैसे ये इनको ऐसे ही फिजिकली एंटाइटिटी की तरह बिलीव किया जाता है कि एक्चुअल में यही देवी देवता, इनके अंदर शक्ति है रथों में। और ये पूरा प्रोसेशन चलता है, काफ़ी सारे देवी देवता होते हैं लाइन में चलते हैं। अब क्योंकि ये प्रशासनिक हो गया तो प्रशासन भी इसमें अपना रोल अदा करता है। आपने जैसा देखा पुलिस के जवान चले हुए थे घोड़े के साथ और परेड हो रही थी, साथ ही साथ झांकियाँ होती है अपने कल्चर को लेके। तो जितना यहाँ का कल्चर है हमारा जो संस्कृति है उसे भी इस मेले के माध्यम से दिखाया जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ ग्राउंड की, अगर आप ग्राउंड की बात करेंगे वहाँ पे व्यापारिक मेला लगता है, ये सांस्कृतिक मेला है। व्यापारिक मेले में जगह जगह से व्यापारी आते हैं और अपना अपना प्रोडक्ट देते हैं, तो एक तरीके से ये संस्कृति और बिजनेस दोनों का एक मेल है मंडी का ये शिवरात्रि मेला। और ये मैं बताऊँ शिव की नगरी माना जाता है, इसलिए शिवरात्रि को यहाँ इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। कुंभ मेला है कुछ वैसा ही मंडी जिले का जो महाशिवरात्रि का पर्व है वो लगता है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में दो बड़े त्योहार हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, एक तो कुल्लू का दशहरा और दूसरा मंडी की शिवरात्रि। यहाँ पर शिव शक्ति और स्थानीय देवताओं का संगम होता है। पीछे ढोल नगाड़े पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ देवी देवताओं के जो जयकारे हैं और भक्त झूमते थे, जब आगे जो मुख्य मैदान है वहां की तरफ बढ़ रहे हैं तो जो स्थानीय लोग हैं उनको देखकर भी भक्ति के जयकारे लगा रहे हैं। अगर आप हिमाचल को समझना चाहते हैं तो एक बार कुल्लू का दशहरा और मंडी की शिवरात्रि को जरूर देखें। हर साल इस मेले में कुछ न कुछ नया होता जा रहा है, जैसे इस बार सांस्कृतिक गतिविधियों को शामिल किया गया।
हमारी यात्रा प्रॉपर झंझाड़ी से होती थी, तहसील धुनाग और जहाँ पोस्ट ऑफिस हमारा जो झंझाड़ी है, प्रॉपर झंझाड़ी से चलती है। 28 तारीख को हम आते हैं और शाम को जैसे मान 28 तारीख को हमारा नाइट चाल चौक में था और 29 को मतलब 1 मार्च को जैसे हम पहुँचे मंडी में ही, 1 मार्च हो रहा है जैसे हमारा जो मेल मिला मिलन हो रहा उस तरह से, उसके बाद भूतनाथ से फिर शाम का जो हमारा ठहराव है जिस तरह हमारे को जगह दिखा उसी हिसाब से हमारा ठहराव हुआ। फिर आज जैसा जलेबी की शुरुआत हुई उससे हम जैसे 5वें स्थान हमारा जलेब का है, आगे अच्छा नुचमा हुए, पीछे हमारे कोटलू मारकंड वगैरह हो, फिर आता देव मतरोड़ा, फिर उसके बाद हमारे देव शेट्टी और माता अम्बिका, 5वें स्थान पे मगर महादेव चपड़ांदू नाग बेला नारायण 5वें स्थान पे इनके जलेब का स्थान जो है बीच में, जब मतलब कुछ एक 5 जब तक पीछे 5 स्थान आके बीच में चलते हैं। आपको इस मेले में बड़ा गर्व होता होगा कि ऐसी बहुत गर्व सर, राजाओं से चली हुई एक परंपरा है हमारी, शिवरात्रि का हमारे एक बहुत बड़ा पर्व है, कहते हैं कि शिव पार्वती की विवाह शायद क्या है क्या नहीं हो तो चलो पुराणों में लगा पता मैं ना, हमारी मतलब एक परंपराओं के अनुसार बोलते हैं कि शिव शिवरात्रि शिव परिवार पार्वती का विवाह एक, इसलिए जो मंडी में इसको मनाया जाता है। परम शिव जी शिव मतलब शिव वैसे हमारे प्राचीन काल से मगर महादेव भी मंडी शिवरात्रि मतलब में आते रहे और इनके ही उपलक्ष्य में मंडी शिवरात्रि मनाते रहे। हाँ जी, आज भी इनके उपलक्ष्य में मतलब मंडी शिवरात्रि मनाते हैं, मतलब जब तक महादेव नहीं पहुँचता तब तक यहाँ हमारे बोलते हैं चंदो एक मतलब एक हार लगता है एक नहरों का नहीं, तब तक वो नहीं लगता तो मंडी शिवरात्रि की शुरुआत नहीं होती, परसों शाम को लगता है वो, फिर कल हमारा वो जैसे मतलब कल शाम को लगाओ जलेब अभी 3-2 और है इसके। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 3 जलेबे होंगे जी, एक फर्स्ट एक बीच में एक हमारे लास्ट में जी, 3 जलेबे जी। जी बहुत बढ़िया रहा, पिछले कल हम ऊपर अपने गांव से निकले तो हम दो गांव होके फिर हमारा पिछले कल यहाँ पे आगमन हुआ, माता राजमहल पहुंची, आज हम लोग फिर दर्शन के लिए देवी देवता को यहाँ लाते हैं, अब शाम को वहाँ पे वापिस जाएंगे, फिर ये प्रोसेस हमारा 7 के 7 दिन रहेगा, फिर 8वें दिन हम वापिस हो जाएंगे, अगर किसी के वहाँ कोई कोई फंक्शन देना चाहता है फिर हम वहाँ रुक जाएंगे, जैसे हमने कोटली जाना है 8 दिन बाद तो फिर हमारी वापसी होगी 8 दिन बाद, फिर 8 दिन बाद हम घर पहुँच जाएंगे। इसके बाद भी ऐसी यात्रा होगी जी, इसके बाद हमेशा हर दिन ये ऐसा ही चलता रहेगा। और बाकी आप लोगों ने हमारे कल्चर को निखारा, इसके लिए रूरल टेल्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आगे भी आइए, हम आपका हर चीज हर समर्थन करते हैं और माता रानी आप पे सब पे आशीर्वाद बनाए रखे। जय हो जी। राजा के महल से देव डोलियां चलती हैं और रास्ते पर होते हुए करीब लगभग 1 किलोमीटर का ये पूरा सफर होता है, पैडल ग्राउंड में इकट्ठा होती हैं, उसके बाद अपने अपने क्षेत्र की जो देवी हैं जो देवता हैं वो आपस में मिलते हैं और जो देवताओं का संगम होता है वो देखने लायक होता है। इस समय पीछे लगातार जो देवी देवता हैं वो आपस में मिल रहे हैं और ये इस पूरे महाशिवरात्रि का सबसे मुख्य आकर्षण भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जब आपस में देव डोलियां या देवता मिलते हैं तो कई बार लोगों की आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। जो समाज अपनी संस्कृति को पल्लवित करता है वो समाज और वो राज्य बहुत आगे बढ़ता है और हिमाचल के बाद बारे में बात सही सटीक साबित होती है। संस्कृति और धर्म का जो अनोखा संगम है वो हमें मंडी महोत्सव में देखने को मिला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि मेला कहा जाता है। इस मेले के 2 पार्ट हैं, पहला आपने पूरा जो रथ यात्रा थी जो जलेब निकली और पैडल मैदान तक पहुंची वो देखा, अब हम इसके आपको व्यापारिक मेले की कहानी जो है या पूरी जो झलकियां हैं वो अगले एपिसोड में दिखाएंगे। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है ये पूरी कहानी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाजत दीजिए, जय नंदा जय हिमाल।